न्यू टॉपिक है हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन हीट इंटरनल एनर्जी एंड वर्क ओके विल डिस्कस अबाउट एनर्जी एंड वर्क सो इससे पहले हमने जीरो ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को पढ़ा सो so जीरो थर्मोडाइनमिक्स जो है उससे हमें ये आइडिया हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर का वी केम टू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर दैट एग्रीज विद कॉमन सेंस नोशन जो हमें जो कॉमन सेंस हम Uh, से कुछ आभास हमें होता है वो वही जीरो ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है तो जीरो थलाफ थर्मोडाइनमिक्स को हम यदि थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करें तो वो जीरो थलाफ थर्मोडाइनमिक्स सिंपली क्या कहता है कि आपके पास यदि एक दो सिस्टम है एक सिस्टम है ए और दूसरा सिस्टम है बी अब एक सिस्टम को डिफाइन करने के लिए एक सिस्टम का एड्रेस देने थर्मोडाइनमिकल एड्रेस बताने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ती है और वो वो पैरामीटर्स होते हैं प्रेशर हो गया वॉल्यूम हो गया टेम्परेचर हो गया मास हो गया और कंपोजिशन हो गया तो है, सिस्टम ए के जो कुछ पैरामीटर्स हैं वो हैं प्रेशर ऑफ़ द सिस्टम ए वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम ए टेम्परेचर ऑफ़ द सिस्टम ए मास ऑफ़ सिस्टम ए एंड कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम ए इसी तरीके से जो सिस्टम बी है वो आपने लिया प्रेशर ऑफ़ सिस्टम बी वॉल्यूम ऑफ सिस्टम बी टेम्परेचर ऑफ़ सिस्टम बी मास ऑफ सिस्टम बी एंड कंपोजिशन ऑफ सिस्टम बी ये आपके पास दूसरा सिस्टम आया और इसी तरीके से आपके पास थर्ड सिस्टम है इसमें प्रेशर ऑफ़ सिस्टम सी वॉल्यूम ऑफ़ सिस्टम सी टेम्परेचर ऑफ़ द सिस्टम सी एंड मास ऑफ द सिस्टम सी एंड कंपोजिशन ऑफ सिस्टम सी आपके पास तीन सिस्टम है और इन सिस्टम के बीच में जो ए और बी को एक एडियाबैटिक बॉल जो है वो अलग कर रही है एडिबेटिक बॉल का मतलब ये है कि ये बॉल क्या करेगी ये बॉल इधर को भी खिसक सकती है लेफ्ट साइड को भी खिसक सकती है और राइट right साइड को भी खिसक सकती है इसके खिसकने का अपना मतलब समझना है यदि ये इधर को खिसकेगी तो वॉल्यूम घट जाएगा क्योंकि ये जो सिस्टम है नज़दीक हो जाएगा इसकी बॉल्स नज़दीक हो जाएंगी यदि वॉलीम घट जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा मास वैसा ही रहेगा कंपोजिशन भी वैसा ही रहेगा मीन्स उसके जो पैरामीटर्स होंगे प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज हो जाएंगे और यदि ये राइट साइड को खींचती है तो तो भी प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो जाएंगे राइट अब पर ये, ये बॉल का खासियत क्या है नो एक्सचेंज ऑफ हीट हीट चेंज एक्सचेंज को अलाउ नहीं करेगी इट विल नॉट अलाउ द हीट एक्सचेंज यहां होगा एडिबैटिक बॉल में क्या होगा नो हीट एक्सचेंज हम इसको जस्ट रिवाइज कर रहे हैं ओके देर इज नो हीट एक्सचेंज बट यहां देखिए जो थर्ड सिस्टम है इसके अपने पैरामीटर्स हैं इनको हम स्टेट वेरिएबल्स बोलेंगे और ये जो पैरामीटर्स uh, हैं इनके बीच में कंडक्टिंग बॉल्स है ये ये, ये जो कंडक्टिंग बॉल मतलब क्या हुआ कि सिस्टम जो ए है ये सिस्टम सी के साथ क्या कर सकता है अपनी हीट को एक्सचेंज कर सकता है सिस्टम ए कैन एक्सचेंज द हीट विद सिस्टम सी सिस्टम बी कैन एक्सचेंज द हीट विद सिस्टम सी इससे क्या होगा इससे ये होगा ये ये जो बॉल होगी वो हिले जुलेंगी नहीं आगे पर ये हीट एक्सचेंज करने से ही इसके जो सारे पैरामीटर्स होंगे थोड़ी देर के बाद इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे और वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे थर्मल इक्लिब्रियम होने का मतलब समझना है आपने थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब हीट जो में हीट जो लेव हीट का जो लेवल है वो सेम हो जाएगा हीट का लेवल सेम होने का मतलब क्या है गे जो सिस्टम ए है उसका टेम्परेचर जो है वो सी के बराबर हो जाएगा और सिस्टम जो बी है उसका टेम्परेचर भी सिस्टम सी के बराबर हो जाएगा तो होगा क्या अब हमारी कॉमन सेंस क्या कहती है कि यदि ए का सी के बराबर होगा बी का टेम्परेचर भी सी के बराबर होगा तो सिस्टम सिस्टम ए का और system B का और बी जो है वो बराबर हो जाएंगे तो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो इसमें से जीरो तलाब थर्मोडाइनमिक्स से निकल के ये आई कि जब सिस्टम जो है दो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होते हैं तो उसमें एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो दोनों में सेम होती है एंड दैट इज टेम्परेचर दिस इज दिस इज द आउटकम ऑफ जीरो थ्लाफ थर्मोडाइनमिक्स सो so, हम अब आगे बढ़ते हैं इसको हमने पहले भी पढ़ा तो हम जस्ट रिवाइज करना चाह रहे थे तो हमने आपको डेप तक समझाने के लिए कोई फिर से रिवाइज करने की कोशिश की टेम्परेचर इज द मार्कर ऑफ द हॉटनेस ऑफ द बॉडी यदि हमें टेम्परेचर का ज्ञान हो जाता है तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारी जो बॉडी है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कितनी गर्म है और टेम्परेचर हमें क्या बताता है बहुत सुंदर बात है टेम्परेचर हमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट के बारे में जानकारी देता है यदि मान लो हमें दो बॉडीज़ के टेम्परेचर पता है और जो दोनों बॉडीज जो है एक दूसरे के थर्मली कॉन्टैक्ट में है ये उदाहरण देख लीजिए आप यहाँ फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो बॉडी है एक है बॉडी ए और एक है बॉडी बी ये दो बॉडीज जो हैं थर्मली एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में एट पॉइंट सी राइट हम ये कहें कि जो आ, बॉडी ए है उसका टेम्परेचर टी ए है तो हम ये कहेंगे कि टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ए इज ग्रेटर देन टेंपरेचर ऑफ द बॉडी बी दिस मीन्स दैट ए बॉडी इज हॉट बॉडी एंड बी बॉडी इज कोल्ड बॉडी साफ़ पता चल गया अब टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट हमें क्या आइडिया देगा कि ये ये बताएगा कि जो हीट है अब वो ए से बी की ओर फ्लो करेगी राइट right? सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो हीट है वो हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक फ्लो करेगी सो इट गिव द आइडिया ऑफ य डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट दूसरी बात इससे हमें यह पता चलता है जीरो तलाफ थर्मोडाइनमिक्स हमें एक और जानकारी देता है कि ये कब तक फ्लो करेगी अब देखिए आप दोनों का जो कलर है वो हमने सेम बनाया इसीलिए क्योंकि अब जो ए है सिस्टम उसका भी टेम्परेचर टी है और बी है उसका टेम्परेचर भी टी है

और uh, इक्वल हो जाएगा जब दोनों सिस्टम का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा तो हम उसको बोलेंगे वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है राइट right? सो so, हम बी सा सम डिटेल्स हाउ टू कंस्ट्रक्ट द टेम्परेचर स्केल्स टेम्परेचर स्केल्स अब कैसे बनाते हैं सेल्सियस स्केल फॉर एन हाइप स्केल कैलबिन स्केल र्यूमर स्केल इसके बारे में हमने आपके साथ बातचीत ऑलरेडी कर रखी है अब ना बी नाउ डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड अदर रेलिवेंट क्वान्टिटीज लाइक इंटरनल एनर्जी एंड वर्क अब हम हीट uh, के कॉन्सेप्ट के बारे में uh, बातचीत करेंगे फिर हम इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करेंगे और वर्क के बारे में बात करेंगे इन डिटेल्स राइट रखते हैं और अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम की बात करते हैं तो जहां तक सवाल कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी का है सो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी इज नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इट इज इजी टू अंडरस्टैंड वी नो दैट एवरी बल्क सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसी भी एक बल्क सिस्टम में बहुत ज्यादा अमाउंट uh, में मॉलिक्यूल्स होते हैं ओके okay? अब यहाँ इंटरनल एनर्जी की यदि हम बात करें एक सिस्टम में इंटरनल एनर्जी की हम बात करें तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं रैंडमली मूव करते हैं तो इंटरनल एनर्जी जो होती है इट इज़ द सम ऑफ दिस इंटरनल एनर्जी इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है ओके okay? और जो uh, जैसे पहले बताया गया कि थर्मोडाइनेमिक्स uh, में क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज ए होल इज नॉट रेलिवेंट इट इज द सम ऑफ फॉर काइनेटिकेल एज पोटेंशियल एनर्जी और आर क्रूशियल फॉर एनी सिस्टम सो इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ द मॉलिकुलर काइनेटिक एनर्जी देर आर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सो इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज द सम ऑफ द मॉलिकुलर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी अब आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपने ये, ये ध्यान से समझना है इट इज अम ऑफ इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में विच इज रिलेटिव टू विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज जिसके रिलेटिवली ये सारे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो रेस्ट में है यदि आपके सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज रेस्ट दिस मीन्स द सिस्टम इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट ओके एंड दस इट इट इंक्लूड ओनली डिसऑर्डर्ड एनर्जी इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंटरनल एनर्जी है वो सिस्टम के मोशन की वजह से नहीं है इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द डिसऑर्डर इन दिस्टम इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द रैंडमनेस मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द सिस्टम ये जो मॉलिक्यूल जो हैं वो सिस्टम में जो रैंडमली मूव कर रहे हैं सिर्फ उसकी वजह से होगी यहाँ समझने वाली बात है सो बोथ ऑफ दीज पार्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सो बी डिनोट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बाई यू ओकेबल के ऊपर इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करने की कोशिश की है बट मॉलिकुलर पिक्चर के को यदि हम एक किनारे पर रखें तो जो इंटरनल uh, एनर्जी है थर्मोडायनिक्स इज द क्वेश्चन टू थर्मोडाइनमिक्स इज कंसर्न तो यू इज सिंपली एक माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल ऑफ़ द सिस्टम है

सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करता है और वो सिस्टम वो स्टेट कैसे आई प्रेशर इतना कैसे बढ़ा वॉल्यूम इतना कैसे हुआ टेम्परेचर कैसे इंक्रीज हुआ मास कितना ऐड किया सबटेक्ट किया कंपोजिशन क्या है इस बात पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता किसी पर्टिकुलर टाइम में प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर मास और कंपोजिशन के क्या वैल्यूज़ हैं सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड हाउ दिस स्टेट इज अचीव इट विल नॉट डिपेंड अपॉन दैट इंटरनल एनर्जी की यदि हम बात करें इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल तो ये अपने आप में क्या हो गया अब एक थर्मोडानेमिक स्टेट वेरिएबल है जैसे हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर मास एंड कंपोजिशन ऑफ द स्टेट वेरिएबल्स सो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑल्सो स्टेट वेरिएबल इट्स वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन द गिवन स्टेट ऑफ द सिस्टम ये स्टेट ऑफ द सिस्टम के ऊपर डिपेंड करे, करे करेगी और उसकी हिस्ट्री पर डिपेंड नहीं करेगी Uh, उसकी हिस्ट्री पर डिपेंड नहीं करेगी कि वो स्टेट अचीव कैसे हुई है ओके सो इट 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 do नॉट depends ऑन द path पाथ टेकन बाय द सिस्टम टू अराइव टू दैट स्टेट उस स्टेट में आपका सिस्टम uh, कैसे आया इस बात पर भी डिपेंड नहीं करेगा मतलब सिस्टम की पास्ट हिस्ट्री पर तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगी ओके okay? अब एक इंटरनल एनर्जी ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस डिपेंड्स ऑन इट स्टेट डिस्क्राइब बाई स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर देखिए आपके पास एक कॉन्टेनर है उसमें कोई गैस है ओके okay? और यदि हम उसकी इंटरनल एनर्जी की हम बात करें तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ स्टेट वेरिएबल्स पर डिपेंड करेगी प्रेशर वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर के प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी ओके एंड इट डज नॉट डिपेंड हाउ दिस स्टेट ऑफ द गैस इज केम अबाउट वो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर वो कैसे आए उनकी उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी तो प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी आर द स्टेट वेरिएबल्स ऑफ द गैस ये प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है और इंटरनल एनर्जी ये अपने आप में स्टेट वेरिएबल्स हो जाएंगे राइट सो so, यदि हम क्या करें कि यदि हम स्मॉल इंटर फोर्सेस ऑफ द गैस को हम निगलेक्ट कर दें जैसे मान लो हमारे पास एक कंटेनर है जैसे हमने अभी आपके साथ एक डायग्राम शेयर किया था कि हमारे पास एक कंटेनर है और इस इस कंटेनर में गैस है तो गैस के गैस मॉलिक्यूल्स भी होंगे तो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटर जो मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स होता है यदि हम गैस मॉलिक्यूल के इंटर मोलिकुलर फोर्सेज को यदि हम निग्लेक्ट कर दें देखिये हमारे पास ऐसे गैस मॉलिक्यूल हैं यदि हम इन गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को निगलेक्ट कर दें तो इंटरनल एनर्जी जस्ट क्या होता है इट इज अ सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इसके बीच का जो इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स है यदि हम इनको निगलेक्ट कर दें तो काइनेटिक एनर्जी जस्ट क्या है इट इज सॉरी इंटरनल एनर्जी इज जस्ट द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज associated with the random motion of the molecules you must take care of this sentence the random motion of the molecules आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा सेंसिटिव होना है द द द रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स बिकॉज़ वी हैव गॉन थ्रू दिस कि हम इंटरनल एनर्जी निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस फ्रेम इन व्हिच द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज एट रेस्ट इसका मतलब ये जो इंटरनल एनर्जी होती है ये टोटली डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम की वजह से होती सिस्टम के मोशन की वजह से नहीं होती हम डायग्राम में भी देखते हैं अभी हम पहले अगला प्यारा पढ़ते हैं वी विल सी दैट इन द नेक्स्ट चैप्टर दैट इन द गैस इन ए गैस दिस मोशन इज नॉट ओनली अब देखिए हम बात करें तो एक यदि हम सिस्टम में हमारे थर्मोडाइनमिकर सिस्टम में हमने गैस को ले रखा है तो उस गैस में ये जो मोशन होगा काइनेटिक एनर्जी होगी ये काइनेटिक एनर्जी सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से नहीं होगी ये ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से भी हो सकती है रोटेशनल मोशन की वजह से भी हो सकती है वाइब्रेशनल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स की वजह से भी हो सकती है सो द इंटरनल एनर्जी इज द इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस 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 एनर्जी इज इज नॉट ओनली ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन इट कुड बी बिकॉज ऑफ द ट्रांसलेन मोशन रोटेशनल मोशन एज वेल एज वाइब्रेशन मोशन मोशन ऑफ द मोलिक्यूल आपको इंटरनल एनर्जी के बारे में एक बहुत सुंदर बात यह जाननी है कि फॉर एग्जाम्पल हम इस डायग्राम की ओर चलते हैं ये है हमारे पास फिगर नंबर ट्वेल्व पॉइंट थ्री पार्ट ए फिगर हमें बताती है कि आपके पास एक कॉन्टेनर है और इस कॉन्टेनर में कोई आपने गैस भर रखी है कोई ये आपका सिस्टम हो गया ओके अब इस सिस्टम में ऐसे बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स है इस मॉलिक्यूल इन मॉलिक्यूल्स में जो यदि हम इसकी इंटरनल एनर्जी की बात करें तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है ओके okay? और ये जो है आप देखिए यहां पढ़िए इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज अ सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इसके मॉलिक्यूल की जो भी काइनेटिक एनर्जी उसके रेंडम मोशन की वजह से है पोटेंशियल एनर्जी जो उसकी पोजिशन की वजह से है जब बॉक्स जो है वो रेस्ट में है बॉक्स इज एट रेस्ट काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन इस इनका मोशन ट्रांसलेशनल हो सकता है और रोटेशनल हो सकता है वाइब्रेशनल हो सकता है ये सारे ही मोशन इंटरनल एनर्जी में इंक्लूड होते हैं राइट right? बहुत इंपॉर्टेंट बात अब आप जरा दूसरे पार्ट में चले जाइए एक बात पहले आप समझ लीजिए ये समझना इसमें ये है इसके जो रैंडम मोशन है वो डिटरमिन किया गया है विद रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस फ्रेम जो सेंटर ऑफ मास है वो रेस्ट में है ओके okay? अब हम दूसरे में चलते हैं यदि फॉर एग्जाम्पल आपका मीन सिफ दिस बॉक्स इज मूविंग बॉक्स इज मूविंग विदुस्टी बी बट विपन देन जो काइनेटिक एनर्जी okay? तो में क्या बॉक्स की बेलुस्टी भी आएगी या बॉक्स की काइनेटिक एनर्जी भी आएगी नो इफ द सेम बॉक्स इज मूविंग एज जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, यदि बॉक्स मूव करता है तो आप ये ध्यान दें कि जो इंटरनल एनर्जी में इंटरनल एनर्जी जो कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम है इस काइनेटिक एनर्जी में बॉक्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्लूड नहीं होगी राइट right? दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी ओके कॉन्सेप्ट के ऊपर हम अपनी चर्चा जारी रखते हैं और अब हम इस बात पर ध्यान देंगे कि इंटरनल एनर्जी को चेंज कैसे किया जा सकता है हाउ इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कैन बी चेंज तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक गैस uh, uh, लेते हैं उसको सिलेंडर में डालते हैं और उसके ऊपर एक मूवेबल पिस्टन ये लगाया हुआ है यहाँ आप देखें कि ये जो पिस्टन है दिस पिस्टन इज मूवेबल इट कैन गो अप एंड डाउन एज वेल और ये है गैस ये ये सिलेंडर में गैस डाली है और इसको एक सिलेंडर में हमने गैस डाली है और उसको एक एक हॉट सिस्टम के ऊपर रखा हुआ है तो एक्सपीरियंस हमें ये बताता है कि जो जो स्टेट ऑफ द सिस्टम है उसको हम दो तरीके से बदल सकते हैं और यदि हम स्टेट ऑफ द सिस्टम को बदल देंगे तो इंटरनल एनर्जी अपने आप में आप जानते हैं कि इट्स ए स्टेट फंक्शन तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी सो so, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वन वे इज टू पुट द सिलेंडर इन कंटेक्ट बॉडी एट हायर टेम्परेचर सबसे पहला तरीका फर्स्ट वे पहला तरीका ये है कि हम अपने जो सिलेंडर है जिसके बीच में गैस है उसको हम किसी एक ऐसी बॉडी पर रखते हैं जिसका टेम्परेचर ज्यादा है ओके okay? गैस से उसका टेम्परेचर ज्यादा है हम कॉमन सेंस लगाते हैं जीरो तलाब थर्मोडाइनमिक्स में हमने पढ़ा था कि आपका जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल टी है और आपने इसको एक ऐसी बॉडी पर रख दिया जिसका टेम्परेचर इससे ज्यादा है तो टी टू इज ग्रेटर देन टी वन हम इसको ऐसे लिखते हैं जो टी टू इज ग्रेटर देन टी वन आपकी गैस का जो टेम्परेचर है वो टी वन है और जिस जिस बॉडी के ऊपर आपने रखा उसका टेम्परेचर टी टू है तो जीरो तलाब थर्मोडाइनमिक्स ये कहता है कि जो हीट फ्लो करेगी वो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो करेगी और कब तक फ्लो करेगी जब तक T1 वन इज इक्वल टू टी नहीं हो जाता ये पहला तरीका है इंटरनल एनर्जी को चेंज करने का अब हम सोचें कि जब टेम्परेचर या हीट एनर्जी जो है वो हमारे सिस्टम को इस हॉट हॉट बॉडी से आएगी ये आपके पास कोई हॉट बॉडी है इससे जब हीट जो है वो हमारे सिस्टम को ट्रांसफर होगी ये हमारा सिस्टम है इस सिस्टम को जब हीट ट्रांसफर होगी तो क्या होगा इंटरनल एनर्जी दैट इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी तो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये ऊपर की ओर एक्सपैंड होंगे एक्सपैंड होने से क्या होगा इनकी बैलोसिटी बढ़ेगी बैलोसटी से क्या होता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी बैलोस्टी के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और जैसे ही इनको गर्म गर्मी का आभास होगा तो ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपनी जगह को छोड़ देंगे और इनकी जगह चेंज हो जाएगी इनका जो कन्फ्यूगेशन है वो चेंज हो जाएगा और कन्फ्योगेशन के चेंज होने से इनकी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी

यदि हम ये कहें कि हमारे सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है तो इस स्टेज में क्या होने वाला है आपके सिस्टम से सराउंडिंग की ओर हीट फ्लो करेगी सिस्टम से सराउंडिंग की ओर जो है वो हीट फ्लो करेगी इससे क्या होगा आपका सिस्टम ठंडा होने लगेगा ओके okay? क्योंकि ये अपनी हीट देगा तो ठंडा होने लगेगा ठंडा होने से क्या होगा इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल्स की घट जाएगी और जो पोटेंशियल uh, एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो भी चेंज हो जाएगी क्योंकि उसका कन्फ्यूग्रेशन चेंज हो जाएगा इसका मतलब जो इंटरनल एनर्जी है वो फिर भी चेंज हो जाएगी यदि आपके सिस्टम जो है वो सराउंडिंग को हीट देता है ओके देर इज देर इज देर इज स्टिल देर चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो हमने क्या पढ़ा कि हीट सिस्टम को दें तब भी इंटरनल एनर्जी चेंज होती है और यदि हम सिस्टम से हीट वापिस लें तब भी इंटरनल एनर्जी चेंज होती है तो so, एक पार्ट हमारा क्लियर हो गया कि इंटरनल एनर्जी को कैसे चेंज किया जा सकता है हम इसके बी पार्ट ऑफ द डायग्राम के ऊपर चलते हैं अब आप पिस्टन वाले पार्ट के ऊपर चले ये ये वाला पार्ट जो है इसकी हम बात कर रहे हैं ब्लू वाले पार्ट पर आप अपनी नजर डरा ये जो पिस्टन है ये ऊपर भी जा सकता है बोथ बेस इट कैन गो अप एंड डाउन फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं कि अपना जो पिस्टन है ना इसको नीचे की ओर दबाते हैं नीचे की ओर दबाने के बाद क्या होगा अब टेम्परेचर कोई को फर्क नहीं पड़ने वाला आप क्या करेंगे आप आप, आप हीट नहीं दे रहे हैं अब अब आप पिस्टन को नीचे की ओर प्रेस कर रहे हैं तो पिस्टन को नीचे की ओर प्रेस करने के बाद क्या होने वाला है इसका जो प्रेशर है वो इनक्रीज हो जाएगा वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा तो वर्क द एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड टू फॉर्म ऑफ वर्क डन बट विल देन ये जो एनर्जी ट्रांसफर होगी वो वो क्या होगी वो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर देगी और उसकी वजह से भी इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज हो जाएगी राइट right? अब क्या होगा दूसरा केस हम करते हैं यदि हम अपने सिस्टम को पुश करते हैं बाहर की ओर खींचते हैं जब हम सिस्टम को बाहर की ओर खींचते हैं तो क्या होगा प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा और वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा राइट सो विद ऑल्सो द इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल ऑल्सो चेंज इस केस में भी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी चेंज होंगी और उससे टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है वो चेंज हो जाएगी तो हमने एक और तरीका इंटरनल एनर्जी को चेंज करने का क्या सीखा कि यदि हम सिस्टम के ऊपर काम करते हैं सिस्टम वर्क डन ऑन द सिस्टम यदि हम सिस्टम के ऊपर काम करते हैं तब भी आपकी इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज होती है और यदि हम सिस्टम काम करता है बर्क डन बाय बाय द सिस्टम डन द सिस्टम यदि सिस्टम काम करता है तब भी इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज होती है ओके okay? सो so हम इन शॉर्ट यदि हम कहें कि इन शॉर्ट हीट एंड बर्क आर टू डिफरेंट मोड ऑफ अल्टरिंग द स्टेट ऑफ थर्मोडाइनिक सिस्टम हम हीट देने से और बर्क करने से एक सिस्टम की वैल्यूज इंटरनल एनर्जी की वैल्यूके यदि चेंज होती है इसका मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज होती है बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज द स्टेट फंक्शन याद आपने कुछ इस तरीके से रखना है एक सिस्टम को हीट देने से और हीट लेने से बर्फ के बारे में क्या याद रखना है सिस्टम के ऊपर काम करने से या सिस्टम द्वारा सराउंडिंग पर काम करने से जो है थर्मोडाइनमिक स्टेट चेंज हो जाती है और इससे इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो जाती है तो यहाँ हम इस टेक्स्ट को पढ़ें जो हमने यहाँ पोस्ट किया है हीट एंड बर्क आर टू डिस्टिंक्ट मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एक सिस्टम को हीट देना और सिस्टम के ऊपर या सिस्टम के द्वारा काम करना ये हमारे पास तरीके हैं जो इंटरनल एनर्जी को चेंज करते हैं तो पार्ट नंबर ए जिसकी हमने बात की हीट इज द एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग यदि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का टेम्परेचर टेम्परेचर का डिफरेंस हो तो जीरो थलाफ थर्मोडाइनमिक्स ये कहता है कि तब तक जो है वो हीट ट्रांसफर होती रहती है जब तक सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम ना हो जाए और बी पार्ट

एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं और इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं राइट right? चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम हीट और इंटरनल एनर्जी के बीच में क्या डिस्टिंक्शन है इसके बारे में हम बातचीत करेंगे और हीट इज ए सर्टेनली एनर्जी मीन्स वी हैव स्टडीड इट हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी बट बी केयरफुल अबाउट दिस सेंटेंस बट इट इज द एनर्जी इन ट्रांजिट जब एनर्जी फ्लो करती है तब हम उसका नाम जो है वो हीट एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी कह देते हैं सो द डिस्टिंक्शन ये जो ये डिस्टिंक्शन है इसका अपना एक बेसिक सिग्निफिकेंस है जो जो थर्मोडाइनमिक स्टेट ऑफ सिस्टम को यदि हमने डिफाइन करना हो तो सो so वो वो स्टेट ऑफ द सिस्टम है दिस इज करेक्टराइज बाय इंटरनल एनर्जी नॉट हीट जो स्टेट वेरिएबल की जब हम बात करें हम स्टेट वेरिएबल तो थर्मोडाइनमिक सिस्टम के स्टेट वेरिएबल लिखते हैं जैसे प्रेशर हुआ वॉल्यूम हुआ टेम्परेचर हुआ मास हुआ कंपोजिशन हुआ और इंटरनल एनर्जी हुआ तो यहां इंटरनल एनर्जी की जगह हम हीट नहीं लेते दैट दैट इज इज द डिफरेंस अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हम एक सेंटेंस इस्तेमाल करें कि ए गैस इन ए गिवन स्टेट है सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट ये गैस यदि किसी गिवन स्टेट में है उसके अपनी वैल्यूज हैं प्रेशर की वॉल्यूम की टेम्परेचर की मास की कंपोजिशन की और उसको हम ऐसा कहें ए ए मास इन गिवन स्टेट है सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट ये एक मीनिंगलेस सेंटेंस है ये सेम इसी तरह से है

कि ए स्टेटमेंट ए सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाई टू द सिस्टम हीट एनर्जी बिकॉज़ हीट इज अ एनर्जी इन ट्रांजिट सो इसका हम यहाँ इस्तेमाल करें ए सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाई टू द सिस्टम ये मीनिंगफुल सेंटेंस है ए सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क वाज डन बाय द सिस्टम ये मीनिंगफुल सेंटेंस है दीज आर द मीनिंगफुल सेंटेंसेस ओके तो यदि समरी में हम ये कहें कि हीट और वर्क जो है दे आर नॉट स्टेट वेरिएबल्स दे आर नॉट यूज टू डिफाइन द स्टेट ऑफ द सिस्टम ये सिर्फ एक एनर्जी देने के तरीके हैं दे आर मॉड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू अ सिस्टम जिसकी वजह से क्या होता है अभी हमने पढ़ा था हीट और एनर्जी जब हम सिस्टम को देते हैं तो उससे उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाती है जिससे हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो इंटरनल एनर्जी अपने आप में एक स्टेट वेरिएबल है एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज में यदि हम बात करें तो हम आ, आ, हमेशा इस कन्फ्यूजन में रह सकते हैं कि जो हीट कब इस्तेमाल किया जाए या इंटरनल एनर्जी कैसे इस्तेमाल किया जाए तो आ, यदि हम आ, छोटे लेवल पर हम यदि बात करें तो हम एलिमेंट्री फिजिक्स बुक में हीट और एनर्जी के बीच में ज्यादा इंटरनल एनर्जी के बीच में ज़्यादा डिफरेंस करने की कोशिश नहीं करते बट यदि हमें थर्मोडाइनमिक्स को पढ़ना है तो हमें हीट और एनर्जी को सेपरेट फिजिकल क्वान्टिटीज़ ही कंसिडर करना होगा